रामलला को मिली 12 किलो की चरण पादुका और चांदी जड़ी चौकी। चांदी की चौकी पर नवरात्र में राम जन्मभूमि के अस्थाई मंदिर में किया जाएगा विराजमान। रामलला के सामने होती है नवरात्र के मौके पर कलश की स्थापना। 9 दिन राम जन्मभूमि गर्भगृह में चलता है अनुष्ठान। राम नवमी तक चलता है ये अनुष्ठान। मध्य प्रदेश के राम भक्त ने रामलला को समर्पित की चांदी की चरण पादुका, 11.5 किलो की चरण पादुका और चांदी जड़ी चौकी। कल दूसरे दिन भी LIC, IPO व सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण की नीति के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखा। बैनीगंज स्थित LIC के मंडल कार्यालय पर मंडल, अमोध्या व फैजाबाद शाखा के बीमा कर्मियों ने धरने व प्रदर्शन का आयोजन किया। मंडल कार्यालय के गेट व धरने पर प्रदर्शन की अध्यक्षता बीमा कर्मचारी संघ फैजाबाद डिवीजन के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड RD आनंद व संचालन महासचिव RS चतुर्वेदी ने की। महिला कल्याण विभाग में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप, उन्हीं के कर्मचारियों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी कुमार व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न का आरोप, एक दिन पूर्व कर्मचारियों से झड़प होने के बाद कार्यालय में लगाया अपना निजी ताला। 2 घंटे तक कर्मचारी खड़े रहे बाहर। कर्मचारियों ने DM नीतीश कुमार से की शिकायत। खबर अयोध्या से है। समाज सेविका अर्चना तिवारी के धरने के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। सपा नेता व पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दिया समर्थन। पवन पांडे पहुंचे गांधी पार्क, जिला प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। पवन पांडे का बयान, अयोध्या धाम की 5 साल की बच्ची के साथ हुई थी हैवानियत। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समाज सेविका अर्चना तिवारी ने किया था शहर में मार्च, जिला प्रशासन को लगा था नागवार। पुलिस ने अर्चना तिवारी के घर पर पहुंचकर की थी अभद्रता। दोषी पुलिस वालों पर हो कार्रवाई। बच्ची को अभी तक नहीं मिला मुआवजा, नहीं हो रहा उचित उपचार। पुलिस प्रशासन के खिलाफ समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने पति व 2 मासूम बच्चों के साथ बैठी है धरने पर। फरार पोंजी कंपनी अनिबुलियन आईविजन की वाइस चेयरमैन 25,000 रुपए की इनामी अभियुक्ता मंजू कौशल गिरफ्तार। काफी दिनों से फरार चल रही थी मंजू कौशल। पुलिस ने घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम। कुमारगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद के कई थानों में वांछित चल रही थी अभियुक्ता मंजू कौशल। फ्रॉड कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है अनिबुलियन कंपनी ने। मासूम के साथ हुई हैवानियत के विरोध में गांधी पार्क में प्रभुत ब्रह्मा समाज के लोग कल दिनांक 29 मार्च को सम्मिलित हुए। साथ ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें मासूम को न्याय दिलाने की तथा अन्य हैवानियत करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही अर्चना तिवारी के साथ जिला अयोध्या कोतवाल द्वारा किए दुर्व्यवहार को लेकर तत्काल प्रभाव से कोतवाल को हटाने की मांग की गई। रुपयों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट में घायल युवक की मौत, इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। खबर करनालगंज कोंडा से है। रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला करनालगंज कस्बे के मोहल्ला नई बाजार का है। यहां रविवार को 2 पक्षों में पैसे को लेकर शुरू में हुए इस मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्षों में जमकर ईंट व पत्थर चले। मारपीट में सोनू उम्र करीब 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए गोंडा ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थिति की नजाकत को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। करनालगंज विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अजय सिंह ने पद अथवा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के उपरांत विधानसभा क्षेत्र करनालगंज अंतर्गत विकास खंड परसपुर के पस्का ग्राम स्थित डेरवा बाबा त्रिमुनी घाट सतनामी आश्रम में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया तथा आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। बताते चले कि विधायक अजय सिंह के पहुंच से ही समर्थकों, कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने मोदी, योगी जिंदाबाद व भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं क्षेत्रवासियों ने नवनिर्वाचित विधायक का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ खड़ा नजर आया और सतीश महाना का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का आभार जताया और इसे लोकतंत्र की मर्यादा को मजबूत करने वाला कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में आई कड़वाहट को लेकर कहा कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे। CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सभी सदस्यों और नेता विपक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया।
बाइक सवार चचेरे भाई को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की हुई मौत। खबर जंजीर गोंडा से है। अयोध्या मार्ग स्थित डुमरिया डी बाजार के पास देर रात्रि में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही के गोपीगंज में एक युवक ने अपने पत्नी को मायके भेजकर एक युवती को घर ले आया। इसकी जानकारी मिलते ही पत्नी वापस ससुराल पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। युवती भी पत्नी होने का दावा करने लगी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों पत्नियों और पति को थाने ले गई, वहां भी हंगामा चलता रहा। मूल रूप से बलिया के सीताकुंड निवासी राम दुलार सोनी की बेटी सुमन की शादी चकपड़ोना कवालापुर गाँव निवासी संतोष सोनी के साथ 2004 में हुई थी। सुमन ने आरोप लगाया कि शादी के बाद ससुराल आने के साथ ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज के लिए पति किसी और से शादी करना चाहता था, किसी युवती से फोन पर बात किया करता था। विरोध करने पर पति के साथ पूरा परिवार प्रताड़ित करने लगा। ग्रेटर नोएडा में चार बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए जमीन खरीदी है। इनमें रोबोट बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। इन चारों में से एक कंपनी DMIC IITGNL की इंटरग्रेट इंडस्ट्रियल टाउनशिप में और शेष तीन ग्रेटर नोएडा में अपनी इकाई स्थापित करेगी। इन कंपनियों से करीब 1600 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और करीब 11,250 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इन दिनों प्रदेश की नहीं देश के कई राज्यों में बाबा के बुलडोजर की चर्चा है। मंगलवार को रेलवे ने भी लगे हाथों चीनी मिल पर बुलडोजर चलाया। इसी वजह से जरवल रोड चीनी मिल गेट के सामने रेलवे की खाली पड़ी भूमि का किराया मिल प्रशासन की ओर से ना जमा करना रहा। रेल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य गेट के सामने JCB से खुदवाई करते हुए मिल का आवागमन बंद कर दिया। कोरोना काल में छोटे लोन के NPA होने से बैंक सबसे ज्यादा परेशान है। 2 लाख तक की रकम सबसे ज्यादा डूबने की कगार पर है। करीब 70,000 ग्राहकों ने लोन तक नहीं चुकाया। इसमें से अधिकांश लोन पर्सनल, ऑटो, कंप्यूटर और सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना में युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि युवा सेना में भर्ती होने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भर्ती केंद्रों पर भर्तियां नहीं होने के कारण तैयारी करने वाले युवा निराश हो रहे हैं, इसलिए उनकी खुशी के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए। गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी, साहिबाबाद और पुराना गाजियाबाद बस अड्डे को एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाया जाएगा। PPI मॉडल पर विकसित बस अड्डों को बस पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसे और बेहतर करने के लिए दूसरे राज्यों में PPP मॉडल पर बने बस अड्डों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों की राज्य की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में मंगलवार को शपथ ग्रहण किया। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी लगभग 350 विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों वाली विधानसभा में दूसरे दिन मंगलवार को भी विधायकों के शपथ ग्रहण करने का सिलसिला जारी रहा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।